क्या समझा है दिन भाई साहब? सर नहीं मतलब कॉलेज के टाइम ही मतलब पहली जो थी वो तो गायब हो गई, गोस्ट कर दी। गोस्ट मतलब वो होता है ना कि बिना बताए ऐसे गायब हो जाना। गोस्ट मैंने सोचा भूत हो गया इसको गोस्टिंग कहते हैं। गोस्टिंग गोस्टिंग मतलब जो रहता है। ये भी एक नया शब्द मिल गया, एक तो मिला फ्रॉस्ट फिर मिला गोस्टिंग फिर क्या बना था उसे भी वायु होगी। ये तो नंबर वन क्या नंबर टू वो तो चीट चीट अच्छा ये ठीक है वो एक्सपीरियंस आ गया तो नंबर टू चीट करके चले गए। नंबर थ्री मीन तो वो थोड़े टाइम के बाद होता है ना बहुत झगड़े वगैरह तो टॉक्सिसिटी आ गई थी रिलेशनशिप में तो बहुत टॉक्सिक हो गई थी मेरे को मेरे बाबा बस टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी दोस्ती सर मैं याद कर रहा हूँ सर क्योंकि मुझे लगता है कि जब पोती पोता सब बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं ये शब्द रहेंगे कि नहीं। हर साल ये शब्द बदलते रहते होंगे ना? रहते हैं काफ़ी सालों तक रहते हैं। ओके वाह तो अभी आप बिल्कुल सिंगल? हाँ माता जी बहुत खुश हैं। माता जी सिंगल हैं कोई बाधाएं नहीं है तो डालिए मातृ के ऊपर कोई प्रेसरेशन मत कर दीजिएगा ऐसे ही रहने दीजिएगा ठीक है। ओके देवी सर का एक बात बताना चाहेंगे आपको इस शो की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है आप हमारे जो घर बैठे दर्शक हैं बहुत अच्छा लगता है हमें पता चलता है कि आप इस खेल का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही एक दर्शक हैं 92 ईयर्स के जयंतीलाल वर्मा जी। जयंतीलाल जी हमने सुना है कि आप हमारे कार्यक्रम का इंतज़ार शनिवार को भी करते हैं लेकिन मान्यवर फिलहाल हम आपके साथ केवल सोमवार से शुक्रवार तक ही मुलाकात कर सकेंगे और आपसे निवेदन है कि आप अपना स्नेह और आपका जो आशीर्वाद है वो बस यही हमारे साथ करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और छठा प्रश्न आ रहा है आगे बढ़ते हैं हमारे ये छठा प्रश्न आपको दे सकते हैं में 5 खिलाड़ियों ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता।
एक मार्क क्रिकेट मोदी के खिलाड़ी दिनेश कुमार जिसमें मणिका बत्रा रानी रामपाल और मरिया कमलवे उनको दिया गया और क्रिकेटर्स में रोहित शर्मा ऑलराइट आगे बढ़ते हैं हार्दिक जी पीयूष गोयल सी